डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट एंड अथॉरिटीज़ की हम जब अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं तो हम बहुत सारे इश्यूज के ऊपर ये समझते हैं कि इट इज़ ईजियर फॉर अस टू कंसल्ट एनी एक्सपर्ट और एनी अथॉरिटी वाइल मेकिंग अ डिसीजन ऑन एनी सोशल इशू जैसे आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट में तो उसके लिए आप किसी स्टॉक uh, मार्केट के कंसल्टेंट से ही रता करेंगे और uh, उसकी राय को ज़्यादा फोकियत देंगे इसी तरह अगर आपने कोई रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू हैव टू गो टू द रियल इस्टेट एक्सपर्ट और आप उसकी ही एडवाइस की बेसिस पर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे इसी तरह अगर आप uh, देखते हैं कि uh, कोई uh, आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो आप उसके लिए किसी लीगल कंसल्टेंट के पास जाएंगे जो उस चीज़ में स्पेशलाइज हो तो रिलाइंग ऑन द विजम ऑफ एक्सपर्ट इज़ अ क्विक सिंपल एंड इन एक्सपेंसिव वे टू लर्न समथिंग बट जब हम एक्सपर्ट्स uh, के ऊपर रिलाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये भी हो सकता है कि हम किसी एक्सपर्ट की अबिलिटीज़ uh, को उसकी एक्सपर्टीज़ को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं बजाय के ख़ुद से हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को जानने की कोशिश करें और अपनी आ, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे एक डिसीजन करें आ, उसकी बजाय अगर हम किसी के एक्सपर्ट की एडवाइस को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दे रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि शायद उसने उतना आ, उस इशू को स्टडी ना किया हो और आपकी उसकी एक्सपर्टीज़ की ओवर एस्टिमेशन आपको डे टू डे लाइफ में जो है वो नुकसान पहुँचा दे इसी तरह जो एक्सपर्ट्स एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के जिसके पास आप जा रहे हैं कि क्या उसकी उस इशू से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन भी है जैसे अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो आपको लीगल एडवाइस किस इशू पे चाहिए आपको टैक्स रिलेटेड मैटर से चाहिए आपको कोई दीवानी मुकदमा मक, से रिलेटेड चाहिए या फौजदारी मुकदमा से रिलेटेड चाहिए अगर आप अप्रोप्रिएट uh, कंसल्टेंट के पास नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि जिस कंसल्टेंट के पास आपके हैं वो आपको जो एडवाइस दे वो अप्रोप्रिएट ना हो एंड एक्सपर्ट्स आर बाउंड टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ एज वेल फॉर सम टाइम व्हेन जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं स्टॉक uh, मार्केट में इन्वेस्टमेंट की या रियल इस्टेट uh, में इन्वेस्टमेंट की तो जो इसके कंसल्टेंट्स होते हैं वो तो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ को बाउंड होते हैं वो उसके मुताबिक ही आपको एडवाइस देंगे वो कभी भी आपको जो है ऑन ग्राउंड रियल सिचुएशन नहीं बताएंगे बल्कि वो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के मुताबिक ही एडवाइस देंगे इसी तरह अगर हम बात करें तो एक और इशू होता है एक्सपर्ट ओपिनियन में वो है सब्जेक्टिविटी कि एक इंडिविजुअल एज एन एक्सपर्ट कितना अपनी राय में वैल्यू फ्री है और वो उसको कितना साइंटिफिक रीजनिंग की बेस पे जो है जो है वो दूसरों को एडवाइस करता है जैसे कि हम अगर, अगर अपने मुल्क में सिचुएशन देखें तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स नज़र आते हैं कि जो एक तो उनकी स्पेशलाइजेशन भी नहीं होती जैसे आप मीडिया पर्सनस की बात देख लें और दूसरी तरफ वो जो एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वो जो है वो साइंटिफिक रीजनिंग पे भी नहीं होता इसी तरह अगर मैं बात करूँ मेडिकल डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेशनशिप के ऊपर कि हमारे यहाँ जो मेडिकल फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की और बल्कि कहीं पे भी दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो मेडिकल फील्ड को मेडिकल डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा फंड करती है तो वो उसी तरह की रिसर्च को सपोर्ट करती है जो उनकी ड्रग्स और मेडिसिन को आ, के लिए एक बिजनेस प्रोवाइड करे तो जहरी बात है जब इतनी ज़्यादा वो फंड्स देते हैं वो रिसर्च को सपोर्ट करते हैं तो मेडिकल डॉक्टर्स उन्हीं की बनाई गई ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं